नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम जा रहे हैं माता चिंतपूर्णी, जो कि ऊना डिस्ट्रिक्ट में है। मेरे घर से माता चिंतपूर्णी की दूरी है 51 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली, और जहां से हार्डली 4-5 किलोमीटर माता चिंतपूर्णी का मंदिर रह गया है। और इधर से इस चौक को कहते हैं भरवाई चौक। अगर आप राइट टर्न ले लोगे तो माता ज्वाला जी का सीधा रास्ता चला जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ मेरी इस वीडियो में। आपको इस वीडियो में माता चिंतपूर्णी के मंदिर के दर्शन करवाएंगे, मंदिर का रास्ता दिखाएंगे, आपको माता की स्टोरी भी सुनाएंगे, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलो जी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं माता चिंतपूर्णी के पावन शहर, जहाँ पे कण कण में माता का वास है। और ये रहा बस स्टैंड, सामने नीचे जाके बस स्टैंड है, जहाँ से आप अलग अलग शहरों के लिए बस ले सकते हो। और अगर आप अपने प्राइवेट व्हीकल से आ रहे हैं तो आप अपने व्हीकल को ऊपर भी लेके जा सकते हैं, जो कि मंदिर के नियर बाय आपकी गाड़ी लग जाएगी। हर छोटी मोटी दुकानदार ने अपने लिए एक पार्किंग एरिया बना रखा है, तो आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं और मंदिर के लिए प्रसाद वहां से ले सकते हैं। चिंतपूर्णी माता को चिंतापूर्णी माता भी कहते हैं, छिन्नमस्ती का धाम भी कहते हैं। धाम इस मंदिर को इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके चारों तरफ शिवलिंग शिव के मंदिर है। एक तरफ महाकालेश्वर मंदिर है, दूसरी तरफ शिवबाड़ी है, तीसरी तरफ नारायण महादेव है, चौथी तरफ मुचकुंद महादेव है। और इस मंदिर को छिन्नमस्ती का धाम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब महाकाली राक्षसों से लड़ाई कर रही थी तो इनकी दो सहयोगिनी अजय और विजया इतना सारा राक्षसों का खून पीने के बाद भी बहुत प्यासी थी, इसलिए माता ने अपना सिर काट के उनको उन सहयोगिनियों को खून पिलाया, इसलिए इसको छिन्नमस्ती का धाम कहते हैं। अब दूसरी स्टोरी आपको मैं सुनाता हूँ कि ये मंदिर किसको मिला और कैसे मिला। बहुत पुरानी बात है, जब इस एरिए में तीन ब्राह्मण रहते थे, उनमें से एक भाई, तीन ब्राह्मण मतलब तीन भाई रहते थे, उनमें से एक भाई का नाम माईदास था। माईदास बहुत ही पूजा पाठ करता था, दुर्गा माता का बहुत ही बड़ा भक्त था। वो एक बार अपने ससुराल जा रहा था, उस ससुराल जाने के टाइम उसको रास्ते में बहुत ही बड़ा घना जंगल मिलता था। घना जंगल होने के कारण जब वो रास्ते से जा रहा था तो वो एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गया, और थका हारा होने के कारण उसको वहाँ पे नींद आ गई। जैसे ही उसको नींद आई तो उसको एक बहुत ही प्यारी कन्या माता ने दर्शन दिए, और माता ने बोला कि तू इस एरिए में आकर, इस स्थान पर आकर मेरी पूजा कर। ऐसा सपना देख कर वो वहाँ से डर कर भाग गया, माईदास अपने ससुराल चला गया। और जब वो ससुराल से वापस आ रहा था माईदास, फिर वो इसी स्थान पर आके उसको आगे कुछ नहीं दिखाई दिया, और फिर वही इसी स्थान पर वट वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। वट वृक्ष के नीचे जब बैठा तो उसने ऐसी घटनाएं देखकर वो माता को याद करने लगा कि हे माता जी क्या हो रहा है। माता को बार बार बुलाने पर जब माता उसके सामने प्रकट हुई तो माता ने उसको बोला कि मैं जहाँ पिंडी रूप में विराजमान हूँ, तू मेरी यहाँ पे पूजा कर। तब माईदास ने बोला ना जहाँ पानी है ना जहाँ कुछ रहने के लिए। तब माता ने जहाँ बोला कि जहाँ उस पत्थर के नीचे से पानी लिया, तो जहाँ पे उसने पत्थर को हिलाया और वहां से पानी निकला, और वहां पर आज भी तालाब है जिससे आज भी माता की श्रृंगार होता है, नहाना धोना उसी से होता है। सो आज भी माईदास के वंशज ही माता के पुरोहित है, उन्हीं के द्वारा माता का पूजा पाठ किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, जो माता चिंतपूर्णी का मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ पे माता सती के चरण गिरे थे। अब हम माता चिंतपूर्णी के भवन के बिल्कुल पास आ पहुंचे हैं। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको माता चिंतपूर्णी की स्टोरी सुनाई, आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये आपको कैसी लगी, और आप इस मंदिर में आ चुके हैं पहले से या आने का प्लान कर रहे हैं। लो दोस्तों, आप भी दर्शन कीजिए माता चिंतपूर्णी के चरणों की। उम्मीद करता हूँ माता आपके कष्टों को दूर करेगी, आपके ऊपर सदा ही कृपा बरसाए रखेगी। जयकारा माँ चिंतपूर्णी दा, बोल साचे दरबार की जय। तो लो दोस्तों, हम बिल्कुल माता के भवन के पास पहुंच चुके हैं, जहां पे माता पिंडी रूप में विराजमान है। मैं उम्मीद करता हूं माता आपको बहुत ही जल्दी अपने भवन में बुलाए, क्योंकि वो कहते हैं ना, माता बुलाए बेटा दौड़ा चला आए। सानू भी चिट्ठी पाई दातिए, सानू भी चिट्ठी पाई दातिए। और मंदिर के बिल्कुल बाहर गणेश जी, हनुमान जी और भैरव जी का मंदिर है। जेरे गणेश जी और यहाँ पे है भैरव जी का मंदिर, आप भी दर्शन कीजिए। और जहाँ पे जो पुजारी खड़े हैं, जो सामने आप देख रहे हो, जहाँ पे माता पिंडी रूप में विराजमान है, और ये है माता का पिंडी रूप का अद्भुत स्वरूप श्रृंगार के साथ। जयकारा माँ चिंतपूर्णी दा, बोल साचे दरबार की जय। और ये है वट वृक्ष, जहाँ पे माता पिंडी रूप में विराजमान है।
और जहाँ पे मंदिर के साथ बिल्कुल छोटा सा एक मंदिर भी है जहाँ पे माता अपने शेरों पे सवार होके, देखिए शेर बाहर बैठे हैं शेरों पे सवार होके, क्या खूबसूरत माता का नज़ारा है, खूबसूरत दर्शन कीजिए आप भी, अद्भुत दर्शन कीजिए। और बट वृक्ष पे ऐसी मान्यता है कि अगर आपको कोई भी मन्नत मांगनी है तो आप वहाँ पे अपनी मौली बांध दीजिए, जैसे ही मन्नत आपकी पूरी होती है तो आप वो आके मौली को खोल दीजिए, ऐसे ही ये प्रोसेस चलता रहता है। जैसे आपको कोई नई मन्नत मांगनी है तो फिर आके बांध दीजिए, माता हर मन्नत को पूरी करती है। वो कहते हैं ना लोगों से क्या मांगना, मांगना तो अपनी माँ से मांगो, बस मांगने का ढंग होना चाहिए, जितना मर्जी मांग लो बस माता के भंडार भरे हुए हैं, जैसा मर्जी मांग लो माता भरती जाती है भंडारों को, झोलियों को भरती जाती है। तो ऐसे ही आप अपनी भी मन्नत मांग लीजिए, बट वृक्ष को धागा बांधिए और अपनी मन्नत को पूरा कीजिए। और मंदिर के साथ ही होला जहाँ पर आप मंदिर के दर्शन करने के बाद, माता के दर्शन करने के बाद दो चार मिनट जरूर बैठिए और माता के ध्यान जरूर लगाइए और माता का शुक्रिया अदा करिए कि शुक्रिया माता, जितना मुझे दिया मेरी औकात से बढ़कर दिया, आगे भी देती रहना और मेरे परिवार पे ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। और जहाँ पर आपको इस लाइन में मिल जाएगा माता का प्रसाद चरणामृत, माता का हलवा जिससे माता का भोग लगाया जाता है। माता चिंतपूर्णी का मंदिर मेरे घर से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 51 किलोमीटर दूर है अप्रोक्सीमेटली, तो मैं जब भी इस मंदिर आता हूँ तो मेरे दिल को बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और आपको मैं सरदूल सिकंदर जी की दो लाइनें जरूर सुनाना चाहूँगा, बहुत ही प्यारा भजन है। दे चरणा दा प्यार मैंने मैनू रख ले सेवा दा, दे चरणा दा प्यार मैंने मैनू रख ले सेवा दा, तेरे पवन ते करा नौकरी, तेरे पवन ते करा नौकरी, सद ले तू एक बार मैंने मैनू दे चरणा दा प्यार मैंने मैनू रख ले सेवा दा। और जहां पर आप दर्शन कीजिए हवन यज्ञ का, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जब भी आप किसी देवी देवता के स्थान पर आते हैं तो दो आहुतियाँ जरूर डालिए, इससे आपके क्या पितरों का भी बहुत, आपका जो पितर होते हैं वो, उनको भी शांति मिलती है और भी बहुत सारे पाप कट जाते हैं। और माथा टेकने के बाद जब आप मंदिर से निकलते हो तो आप बैक साइड से भी आप माता के दर्शन कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरी इस वीडियो को माता के भक्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कौन कौन इस मंदिर में आ चुका है और कौन कौन इस मंदिर में आने का प्लान बना चुके हैं या आने वाले हैं, और जो इस मंदिर में पहले आ चुका है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय।